इधर किसान आंदोलन की बाढ़ से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। खासतौर से जो ट्रेनें उत्तर की ओर आ रही हैं, वो ट्रेनें बुरी तरह आंदोलन की चपेट में हैं। यही कारण है कि उत्तरी छोर से दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बीते कई दिन से रद्द चल रही कई रेलगाड़ियां आने वाले कुछ और दिन तक रद्द रहेंगी। इनमें 3 रेलें और शामिल हैं। ये गाड़ियां रद्द होने से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा गया है। तो शिल्पा हमें ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं। शिल्पा, जरा बताइएगा कितना प्रभाव पड़ रहा है रेलवे पर, खास तौर पर यात्रियों पर जो माता वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए आते हैं और उनको ट्रेन की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं किसान आंदोलन की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन की वजह से ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बता दी चलूं कि 3 ट्रेनें जो है वो रद्द की गई हैं, आज भी वो रद्द रहेंगी और 18-19 तारीख तक जो है वो रद्द की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली जो जम्मू मेल है वो आज भी रद्द है, कल भी रद्द रहेगी और 19 तारीख तक जो है वो दोनों तरफ से जो है वो रद्द रहने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के सरिया रोहल्ले के बीच चलने वाली जो विशेष रेलगाड़ी है वो आज भी रद्द है, 18 को भी रद्द रहेगी और 19 को भी दोनों तरफ से रद्द रहेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कटरा कालका एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो कि 17 यानी कि आज भी रद्द है और कल ये ट्रेन जो है वो दोनों तरफ से रद्द रहने वाली है और साथ ही साथ जो अन्य ट्रेनें हैं उनके भी रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। कई ट्रेनें जो है वो डिले पहुंच रही है तो जो यात्री प्लेटफॉर्म पे पहुंचे उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई यात्री ऐसे हैं जो कि इस समय टिकट को बुक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है, क्योंकि काफी समय से ये आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है और ट्रेन प्रभावित हो रही है तो यात्री अब टिकट भी नहीं कटवा रही है। लेकिन अगर जो यात्री टिकट कटवा रहे हैं तो रेलवे प्रशासन के द्वारा उन्हें सूचना दी जा रही है कि आपकी ट्रेन जो है वो इतने समय तक आएगी, कौन सी ट्रेनें जो है वो रद्द हुई है, तो ये पूरी जानकारी जो है वो इस समय यात्रियों को दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म पे यात्री पहुंच रही है तो उन्हें जो है वो परेशानी आ रही है क्योंकि उन्हें जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल शिल्पा, कुल मिलाकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका शिल्पा।